मालक ने करना सारा कुछ, उस वाहेगुरू ने करना। ओदी वही रहमत नाल ओ जिहड़ा हंकारी ताना शाह सीगा, जिहड़ा हाकम सी हंकारी, ओनू चकना चूर किया। ये मैं समझदा ओदी कला वरती है, ते ओदा कौतक है कि उन्हें बड़ा तशद्दद कर रहा सी पूरे भारत दे विच लोकां दे घट गिणतियां ते, ते उस मालक ने ही थापड़ा दे के, क्योंकि वाहेगुरू ने दसम पिता ने थापड़ा दिता होया है, तो वो थापड़ा दे के तोड़िया कि उस हंकारी का जबर तोड़ना है, हंकार तोड़ना है। सो वो कृपा नाल ही सारा कुछ संभव हो। सरकार ही बदल जानी, देखते जाओ तुसी। हुण आ गया मोर्चा, पंजाब आ गया, कोई नहीं, थोड़िया तनखा लिए भी लड़ांगे असी भाई। लगना ये उन्हों का फैसला, ये बजुर्गों का फैसला, मैं तो नहीं करनी, पर जे किसान या मजदूर पार्टी बनाने पर डट के खड़ांगे ना। अगली रणनीति जी हम बैठा आप, क्योंकि पहला साडा फर्ज बनता सी, जे इस मालक ने एड्डी वड्डी रहमत की, एड्डी खुशी दी है, तो जरूर शुकराना करिए। सो हुण बैठांगे आपां सारिया जथेबंदियां 32-32 पंजाब वालियां, बैठ के फिर अगली जिहड़ी मीटिंग करांगे, उहदे विच अगली जिहड़ी कोई रणनीति तय होई। केंद्र सरकार दे 3 खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण उपरांत सारे किसान फतेह मार्च तहत श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक होण लई पहुंचे ने। अकाल पुरख की कृपा हुई है, बहुत वड्डी रहमत हुई है, उहदी रहमत सदका ये जिहड़ा अंदोलन उहदी जित हुई है, जिस दे नाल पूरे देश दे किसान दा सिर उच्चा होया, पंजाब दा सिर उच्चा होया, अपनी कौम दा सिर उच्चा होया। सो ये समझदे हां कि कोट एंड कोट धन्नवाद अकाल पुरख का, उहदी रहमत सदका ही सारा कुछ होया, तो शुकराना करन आए हैं, और गाहां वास्ते भी अरदास करते हैं अकाल पुरख के अगे, इवें ही कौम की चढ़ती कला बनाई रखे। सो ये बेनतियां करन आए अज इत्थे दरबार साहब, सो हाजरी भरी है हुण दरबार साहब, तो जिवें हो गए हुक्म होएगा सारिया जथेबंदियां। अगली रणनीति की होगी हुण किसान? अगली रणनीति जी हुण बैठांगे आपां, क्योंकि पहला साडा फर्ज बनता सी, जे इस मालक ने एड्डी वड्डी रहमत की, एड्डी खुशी दित्ती है, तो जरूर शुकराना करिए। सो हुण बैठांगे आपां सारिया जथेबंदियां 32-32 पंजाब वालियां, बैठ के फिर अगली जी मीटिंग करांगे, उहदे विच अगली जी कोई रणनीति तय होएगी। पर केंद्र सरकार उहदे चुका लिया, हुण लगदा कि पंजाब सरकार नूं चुकावां, क्योंकि कर्जा काफ़ी है किसान दा। मालक ने करना सारा कुछ, उस वाहेगुरू ने करना, उहदी वही रहमत नाल ओह जिहड़ा हंकारी ताना शाह सीगा, जिहड़ा हाकम सी हंकारी, उहनूं चकना चूर किया। ये मैं समझदा उहदी कला वरती है, ये उहदा कौतक है कि उहनें बड़ा तशद्दद कर रहा सी पूरे भारत दे विच लोकां दे घट गिणतियां ते, ते उस मालक ने ही थापड़ा दे के, क्योंकि वाहेगुरू ने दसम पिता ने थापड़ा दिता होया है, तो उहदे थापड़ा दे के तोड़िया सी कि उस हंकारी का जबर तोड़ना है, हंकार तोड़ना है। सो उहदी कृपा नाल ही सारा कुछ संभव होया। इलैक्शन कितने देख रहे हो किसान? इलैक्शन चुनाव आ रहे हैं, देखो असीं बैठांगे 32-32, बैठ के उहदी कोई रणनीति तय करांगे। मैं बहुत बार कह चुकिया कि मेरी जथेबंदी इलैक्शन च नहीं जाना चाहुंदी, असीं नहीं जावांगे, पर अहीं सपोर्ट करांगे, मदद करांगे जो कोई प्लैन होगा। बीजेपी का विरोध किया जाएगा? देखो ये भी बैठ के प्लैन होएगा, हुण वैसे तो हुण बनता नहीं, लोकतंत्र दे विच जिन्ना चिर समझौता ना होवे उन्ना चिर विरोध हुंदा, हुण समझौता हो गया। पर उन्होंने बीजेपी वालों की एक मैं कहांगा कि सियाणप नहीं सी, मालक सदबुद्धि देवे उन्होंने भी, रहमत करे उन्होंने, उन्होंने जिहड़ी शब्दावली लोगों ने वरती हुई है वह कितने ना कितने लोगों च गुस्सा, वह भी अज मैं कहना कि प्रेस के अगे जो प्रधानमंत्री माफ़ी मंग सकता है तो वो जिहड़े पंजाब वाले आगू ने सारे वह बैठन मीडिया के अगे बैठ के अपने पंजाब के लोगों को खिमा मंगण, माफ़ी मंगण, और गुरु घर आके खिमा मंगण, तो क्यों नहीं लोग बख्शणगे? बख्शण योग है, वो बख्शण हारा, वो सारे बख्श दिंदा। कि हरजीत गरे वाले किसे फेस हैगे ने उन्होंने इदां दी जिहड़ी लैंग्वेज जिहड़ी बोलनी नहीं चाहिए? चलो वो मालक जानता, वो जानता जी, साडा काम सी कि असीं अंदोलन लड़न गए सां, अंदोलन उस अकाल पुरख ने कृपा की है, उहदी रहमत हुई है, उहदी प्राप्ति हुई है। मैं तो इन्ना कह सकदा वाहेगुरू की कृपा है, भी उहदी रहमत है, कदे जिंदगी च सोचिया नहीं सी बन्नियां तों उठ के आपां खेतों तो उठ के आपां अपने हकों की लड़ाई लड़ते लड़ते इस हाकम सरकार नूं नत्थ पावांगे, ये कदे मन च विचारिया नहीं सी, कदे सोचिया नहीं सी। सो मैं समझदा कि उस अकाल पुरख की कृपा हुई है, उसने अपने घर के कुकरां नूं बड़ा माण सत्कार दवाया। सो मैं समझदा जिन्ना शुकराना कर लिया अकाल पुरख का वो उन्ना ही थोड़ा है। चलो वो मालक जानता, वो जानता जी, साडा काम सी कि असी अंदोलन लड़न गए सां,
अंदोलन उस अकाल पुरख ने कृपा की है, उसकी रहमत हुई है, उस प्राप्ति हुई है। मैं तो इन्हें कह सकता कि वाहेगुरु सारियां सदबुद्धि भी देवे। 700 तो उपर किसान शहीद हो गए, उन्होंने अरदास की है बिल्कुल। असी बहुत मैं बहुत बार कहा कि असी सिर झुका के उन्होंने शहीदों के कदमों के प्रणाम करते हैं, उन्होंने परिवारों के कदमों के प्रणाम करते हैं, सिर झुका के ये जिन्ना अंदोलन जिहड़ा जित होया है ये श्रेय उन्होंने जाता। हमेशा जिहड़ियां अज तक जंगा जितते आए हैं उन्हां दी नींह पक्की शहीद करते हैं, शहीद कौम का सरमाया होंदे ने। सो उस सरमाया ने साडी कौम का जिहड़े शहीद होए ने उन्हां दे वास्ते अरदास तां करांगे ही, पर उन्हां परिवारां नूं मिल के आए सां, उन्हां मावां नूं आके आए, उन्हां भैणां नूं आके आए कि जिन्हां मावां दे पुत्तर गए ने उन्हां दे पुत्तर बन के गुजरांगे, जिन्हां भैणां दे भरा गए ने उन्हां दे भरा बन के गुजरांगे। उन्हां नूं आख्या कदे मन च नहीं लिआउणा, समझना तुहाडे विच ही मौजूद आ, असीं उन्हां दी रूह तां कह सकते हैं कि मालक अपने चरणों से लैके जाए वास दे, पर यह कह सकते हैं कि वो जो आसरा उन्होंने बनना सी वो असीं बनने नूं तैयार हैं, किसी गलों घबराना नहीं, वाहेगुरू कृपा करे। वाह बाबा जी दे मत्था टेकण चले भाई, कितना देर जो सारा स्वागत हो रहा वा, ताडा बहुत योगदान रहा विच, मालकां दा है सारा कर्म है बाबा जी दा। मां साहब 700 तों वध किसान जिहड़े शहीद होए ने अज सरकारां कह रहीयां कि असीं तुहाडे नाल आ, सरकारां ही बदल जाणियां देखदे जाओ तुसीं, हुण आ गया मोर्चा पंजाब आ गया, हुण कोई नहीं, हुण तुहाडियां तनखाहां लई भी लड़ांगे असीं भाई। तुहानूं की लगदा किसानां नूं जिहड़ा लगणा लगणा नीति विच आउणा चाहीदा, इह उहनां दा फैसला, इह बजुर्गां दा फैसला, मैं तां नहीं करनी, पर जे किसान या मजदूर पार्टी बणाउणे फिर डट के खड़ांगे नाल। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤਰ ਗਏ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਬੱਬੂ ਮਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਬੋਲ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਚੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਨਾਰਾ ਬੋਲ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਗਤ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਤਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ? ਕਾਫੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ 15 ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 15 ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੁੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸ਼ਿਗਰ ਚੱਲਿਆ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਜੁੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਛੇਤੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਰਟੀ। ਭਾਜਪਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ? ਜੀ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰਾਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਟਾਡਾ ਸਭ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜੀ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਛੇਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਚੁੜਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਚੁੜਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਏ। ਚਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਲੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਆਏ ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ, ਇਹ ਆਪ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 700 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਪਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਤਮਸਤਕ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਕਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ।
हरजीत गरेवाल की रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले नाल करो सीधी गलबात ते जाणो गुरबाणी दे अर्थ। रोजाना पाठ करन वाले ये प्रोग्राम जरूर देखण ते गुरु साहब दीआं असीसां दे पात्र बनन। देखणा ना भुलना साडा खास प्रोग्राम गुरबाणी ज्ञान एतवार सवेरे 7 to 8 PM तक D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार.com कानून जायदाद दा।